guys, this is Vaishali Sharma. Today we will start 12th class biology. 4 unit aapke biology ke book mein aaj hum first unit start karne ja rahe hain, that is reproduction. Okay, it has 4 chapter. The reproduction unit has 4 chapter. First one is reproduction in organism, second sexual reproduction in flowering plants, and third is human reproduction, and fourth is reproductive health. So today we will start reproduction in organism. What is reproduction in organism? So today we will start reproduction in organism. So unit aapki reproduction hai, so first we will describe what is reproduction. Okay, reproduction kya hota hai? सबको पता होगा, पढ़ के आए हो सब 10th क्लास में. व्हाट इज रिप्रोडक्शन अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे आप? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produce their offspring similar itself. Okay, so what is reproduction? Reproduction is a biological process by which an organism produces their offspring similar to itself. Reproduction में जो organism होते हैं वो offspring produce करते हैं उनके जैसे दिखने वाले. तो वो एक reproduction एक ऐसा process है जिसमें offspring produce होते हैं किसके द्वारा? Organism के द्वारा, उनके जैसे ही दिखने वाले. Okay. ओके, सो वी विल स्टार्ट. हमारा सबसे पहले क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले क्या होता है? बर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. एंड आफ्टर, एंड कब तक उसकी लाइफ रहती है? जब तक उसकी डेथ ना हो. तो हमारा लाइफ का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो लास्ट जो इवेंट होता है वो क्या होता है? डेथ होती है. फर्स्ट इज बर्थ एंड लास्ट फेज इज डेथ. ओके, तो ये बर्थ से लेके डेथ तक का, बर्थ से लेके डेथ तक का, डेथ तक की जो ये लाइफ होती है, जो हमारा जीवन का सफ़र होता है, इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लाइफ स्पैन. ओके, सो व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? बर्थ से डेथ तक का ये जो पीरियड है, जो हमारी लाइफ है, इसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. ठीक है, अगर लाइफ स्पैन डिफाइन करने के लिए आ जाए तो इसी को बस आपको जो मैंने हिंदी में बोला है इसी को इंग्लिश में लिखना है. बहुत ईजी लैंग्वेज में, बायो इज़ वेरी ईजी, बट लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगती है आंसर बनाने में. बट जो पॉइंट्स तुम्हें याद है हिंदी में उसी को इंग्लिश में लिखना होता है. दैट इज़ लाइफ स्पैन क्या होता है? अब मैंने बताया बर्थ से डेथ तक का जितना भी टाइम होता है वो हमारा लाइफ स्पैन होता है. तो यानी कि पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? बर्थ से स्टार्ट होता है. तो पीरियड फ्रॉम बर्थ और कहाँ तक होता है? डेथ तक. टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है? हमारा लाइफ स्पैन होता है. ओके, अब लाइफ स्पैन को ना 5 फेजेस में बांटा हुआ है. लाइफ स्पैन को 5 फेजेस में बांटा हुआ है. मैंने अभी बताया आपको लाइफ स्पैन को 5 फेजेस में बांटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट फेज क्या होता है? बर्थ. पहले बता देता, सबको पता भी है कि सबसे पहले तो हम बर्थ ही लेते हैं. एंड लास्ट फेज क्या होता है हमारा? लास्ट फेज होता है डेथ. ओके, फर्स्ट फेज इज बर्थ एंड लास्ट फेज इज डेथ. ये जो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन है ये भी आता है हमारी सबकी लाइफ में, सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ में रिप्रोडक्शन भी एक आता है. बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट आर लाइफ. ठीक है, इट इज़ एन इवेंट ऑफ आर लाइफ. तो रिप्रोडक्शन एक इवेंट है हमारी लाइफ का जो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आता है. और रिप्रोडक्टिव फेज़ यहाँ थर्ड फेज़ होता है हमारी लाइफ स्पैन का, या लाइफ का थर्ड फेज़ है. सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज़. ओके, रिप्रोडक्टिव TIVE है, रिप्रोडक्टिव फेज. बर्थ और रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है, जैसे कोई भी जब ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, ठीक है, उसका
जन्म होता है तो ही और शी नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद थोड़ा टाइम बाद कैपेबिलिटी आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कि वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, तो रिप्रोडक्टिव फेज आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो बर्थ और अब स्टार्टिंग बर्थ से हुई रिप्रोडक्शन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज अभी थोड़ी देर बाद आएगा, तो बर्थ और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में एक पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जुविनाइल फेज, व्हाट वी कॉल इट जुविनाइल फेज। ओके, जुविनाइल फेज को ही नॉन रिप्रोडक्टिव फेज भी बोला जाता है। व्हाट वी कॉल इट नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, बर्थ हो गया, जुविनाइल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। रिप्रोडक्टिव फेज और डेथ के बीच में भी कुछ आता है, ऐसे तो है नहीं ना कि सीधा डेथ हो जाएगी, बुढ़ापा भी तो आएगा, तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव फेज और डेथ के बीच में एक स्टेज आती है, दैट इज हिंदी में बुढ़ापा और साइंस की लैंग्वेज में एजिंग बोला जाता है उसे, एजिंग। प्लांट्स में इसी एजिंग को बोला जाता है सेनेसेंस, ठीक है, क्या बोला जाता है सेनेसेंस, किस में बोला जाता है इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में एजिंग को क्या बोलते हैं सेनेसेंस बोलते हैं। ओके, तो ये फाइव फेजेज हैं, बर्थ, जुविनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग और सेनेसेंस, सेनेसेंस इन प्लांट्स एंड डेथ। जुविनाइल फेज को हम नॉन रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाता है, अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन करो जुविनाइल फेज, व्हाट इज जुविनाइल फेज, तो जुविनाइल फेज क्या होता है सिंपल लिख सकते हो, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द रिप्रोडक्टिव फेज इज नोन एज जुविनाइल फेज, या पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज नोन एज जुविनाइल फेज। एजिंग आ जाए तो सेम, पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्टिव फेज एंड डेथ इज नोन एज एजिंग और सेनेसेंस इन प्लांट्स, ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, क्या शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन पता है आपको किसका है? ओके, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का। ओके, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का, ये होता है 24 आवर। ओके, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ओनली 24 आवर होता है, इसीलिए इसको हेंस कॉल्ड वन डे फ्लाई भी बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है वन डे फ्लाई। तो ये नीट के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन मे फ्लाई का होता है 24 आवर, इसीलिए इसको वन डे फ्लाई भी बोला जाता है। एडल्ट, अब ऐसी बात है कि कोई बर्थ लेता है एंड उसकी डेथ होती है, बीच में एक फॉर्म आती है एडल्ट फॉर्म, तो वो सब में आती है किसी का, चाहे शॉर्टेस्ट चाहे एक दिन का लाइफ स्पैन हो, चाहे 50 इयर्स का लाइफ स्पैन हो, एडल्ट तो वो हो गई, ऐसे इसका भी एडल्ट होता है, बट फॉर इन एडल्ट जो होता है इसका सिर्फ 5 to 7 मिनट तक रहता है, इसकी जो एडल्ट फॉर्म है मे फ्लाई की वो कितने मिनट तक रहती है 5 to 7 मिनट तक रहती है ओनली। ओके, अब अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की, किसकी बात करें अगर हम लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, सो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन एनिमल्स में अगर हम बात करें, एनिमल्स में होती है टॉर्टॉइज की होती है 100 to 150 ईयर्स, ठीक है, 100 to 150 ईयर्स होती है। एक बोहेड वेल भी होती है, बोहेड वेल उसकी 150 to 250 ईयर होती है। ओके, अब बर्ड्स की बात अगर हम करें, बर्ड्स में जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होती है वो होती है पैरट की, पैरट की होती है 140 ईयर्स, 140 ईयर तक वो जिंदा रहता है साल तक। ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ में आता है यूकेलिप्टस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, तुम बहुत पढ़ोगे इसको, बिकॉज इट इज़ अ टॉलेस्ट ट्री के नाम से याद रखना इसको, टॉलेस्ट ट्री है यूकेलिप्टस। ओके, यूकेलिप्टस
कि लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन भी है 1000 ऑफ ईयर्स, 1000 ईयर्स किसकी लाइफ स्पैन है. ओके सो ये सारे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन सारा समझ में आ गया आप लोगों को, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. अब आता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. हमने रिप्रोडक्शन समझ लिया, रिप्रोडक्शन क्या होता है. अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स हैं आपके, सबको पता है, सब पढ़ के आए हो 10th क्लास में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, डिटेल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. व्हाट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली बात है वन पेरेंट है तो कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता, कोई भी गैमेट फ्यूजन नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो नो गैमेट फ्यूजन. वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस, यहाँ पे गैमेट फ्यूजन होता है. यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होती है. माइटोटिक डिवीजन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होती है. माइटोटिक डिवीजन का मतलब है मियोसिस, सॉरी माइटोसिस. व्हाट इज माइटोसिस. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं. इनको ना मैं डिटेल में एक क्लास लेके आपको बता दूंगी व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन एंड व्हाट इज मियोसिस डिवीजन. बट एक थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ. एक हिंट आपको दे देती हूँ कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है ना वो सेल नंबर को बढ़ाने के लिए होता है. तो जहाँ भी इंक्रीज इन सेल नंबर हो रहा हो, जहाँ भी इंक्रीज इन सेल नंबर हो रहा हो समझ लेना वहाँ क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है. ज़्यादातर जो मियोसिस होता है वो आपके सिक सेल्स में होता है. ओके अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स फॉर्मेशन होता है. व्हाट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म होता है, क्लोन्स फॉर्मेशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं. तो यानी कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन. ओके आप क्लोन्स पढ़ के तो सब आयोगे, याद है या नहीं आई डोंट नो, बट पढ़ के तो सभी आयोगे कि व्हाट इज क्लोन्स. सो अगर क्लोन्स को डिफाइन करने के लिए आ जाए कि क्लोन्स क्या है, तो व्हाट इज क्लोन्स. देखो क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स पहली बात तो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही फॉर्म होते हैं. तो अगर क्लोन्स को डिफाइन करने के लिए क्लोन्स होते क्या है, क्लोन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. तो तुमने देखा होगा 10th में पढ़ के आया अमीबा का देखा है तुमने, तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली अमीबा जैसे ही बनते हैं. जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्टली अमीबा जैसे बनते हैं, बिल्कुल दिखने में तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कौन सा पेरेंट है और कौन सा ऑफस्प्रिंग है. ओके तो क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स इसीलिए उनको क्लोन्स कहा जाता है क्योंकि क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली, व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. ठीक है
क्लोन्स क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स से, जो उनके एक्सटर्नल फीचर होते हैं ना बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, ठीक है, जेनेटिकली यानी कि जीन्स के थ्रू भी। ऑब्वियसली बात है ना, अगर जीन्स में कुछ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो जाते हैं तो फिर चेंज हो जाती है शेप, नहीं, बट वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। इसीलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो हम नहीं बोलते क्लोन्स, क्यों नहीं बोलते, बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कभी देखा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते। हाँ, सिमिलर होते हैं हम अपने पेरेंट्स के, बट नॉट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, ठीक है, उनके जैसे दिखते हैं बट उनकी बिल्कुल उनकी तरह नहीं दिखते, ओके, थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं। व्हाट इज़ दिस? रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, ओके, ये तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा था, मैंने बताया उसमें, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो रहा है। एक बार अपना अपनी बुक खोल लीजिए, ये फिगर 1.1 है, यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं, इसमें लाइफ स्पैन पूछे गए हैं। तो एलिफेंट का होता है 60 to 90 ईयर्स, रोज़ का होता है 5 to 7 ईयर्स, डॉग का होता है 25 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई का दे ही रखा है इसमें 1 to 2 वीक, क्रो का 15 ईयर्स होता है, बनाना ट्री का 25 ईयर्स होता है, काउ का 20 to 25 ईयर्स होता है, पैरट का दे ही रखा है 140 ईयर्स होता है, क्रोकोडाइल का जो होता है 60 ईयर्स होता है, हॉर्स का 60 ईयर्स होता है, फ्रूट फ्लाई का भी 2 वीक होता है, राइस प्लांट का 3 to 4 वीक होता है, टॉर्टॉइस का 100 to 150 होता है, एंड बानियन ट्री का 200 to 250, ये 250 लिखा है, 200 to 250 ईयर्स। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे तो ये बहुत कम पूछे जाते हैं, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट अब आपका जो MCQ सिस्टम आ चुका है उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि वो 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें लाइफ स्पैन पूछ सकते हैं। तो जितना मैं बता सकती थी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में करेंगे, सो वी विल डिस्कस इट लेटर टुडे, ओके, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे, सो यू कैन कमेंट मी, ओके, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।